टोटल कंट्रीब्यूशन
मेरा उस टाइम में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट जीरो, सो माय फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन विल बी सेम। ये मेरा पहला चीज मुझे मिला कि आर ब्रेकिंग पॉइंट, माय फिक्स्ड कॉस्ट इतना है इतनी इज इक्वल टू माय कंट्रीब्यूशन, मैं जितने कंट्रीब्यूशन किया सारे फिक्स्ड कॉस्ट में चला गया, प्रॉफिट कैसे हो गया। सो इसको हम थोड़ा आसान उपाय में करेंगे। देखिए जैसे हमने जो लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल लिए थे, चाय का एग्जाम्पल लिए थे कि 10 रुपया इज पर कप, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 4 रुपीज पर कप एंड माय फिक्स्ड कॉस्ट मान लीजिए 2000 रुपीज इज माय फिक्स्ड कॉस्ट। मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन मिला है, मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिला है, मेरा सेलिंग प्राइस 10 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपया है, फिक्स्ड कॉस्ट 2000 रुपीज है, ये सब रुपये है। अभी इसे हाउ मेनी कॉस्ट आई शुड प्रोड्यूस टू रिकवर माई फिक्स्ड कॉस्ट, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। क्या मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर कप कितना है, 10 माइनस 4, सबको पता है। मैं एक कप अगर बेचता हूँ मुझे कितने मिलता है कंट्रीब्यूशन, 6 रुपया। सो हाउ मेनी कप्स आई शुड सेल टू गेट 2000 रुपीज, मैंने क्या किया 2000 रुपया में 6 डिवाइड कर दिया, कितना हुआ 333 कप्स। अगर मैं 333 कप बेचूंगा तो मेरा ना प्रॉफिट होगा ना सेल होगा, दैट इज व्हाट आई डिड, एफ वाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मैं यही किया ना, इस कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिव्स मी ब्रेक इवन सेल्स। ये हमने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाला, तो दिस इज सेल्स यूनिट्स, समझ में आया, ये इतना सिंपल है। आपको ब्रेक इवन निकाल पाएंगे इफ यू नो दिस थिंग, अगर ये तीनों आपको पता है यू कैन फाइंड आउट। अगर हम टेस्ट करेंगे, मान लीजिए मैं 333 कप में प्रोड्यूस किया है, ठीक है, व्हाट इज माई सेल प्राइस, 3330 रुपया, मैंने इतना लाया, लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज 4 पर कप, 333 × 4 मल्टीप्लाई करिए, वन माइनस कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 2000 2 रुपीज, ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे ही आ जाता है। हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 2000, सो मेरा प्रॉफिट 0 है, 2 रुपीज का प्रॉफिट, एक कप का चाय से कम है, तो प्रॉफिट ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया। वो आप टेस्टेड किया, अगर 333 कप में बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट विल बी 0। सो दिस हाउ आई गॉट, मेरे को यही फॉर्मूला है, 6 रुपया यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, फिक्स्ड कॉस्ट मुझे यहाँ से मिला, सो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एफ बाई सी, एफ इज ऑलवेज इन टोटल, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल में लेना पड़ेगा, क्वांटिटी लेने से ज्यादा।
मेरा टोटल 300 कितना है 2000 है, तो मैं ऐसे करके आई कैन फाइंड आउट माय वेरिएबल। अभी देखिए दूसरा चीज दिखाता हूँ। अभी जैसे इस प्रॉब्लम में मेरा सेल्स 10 v = 4 तो c = 6 तो मेरे अभी अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन, अगर सेल्स 10 रुपया है तो कंट्रीब्यूशन 6 रुपया है, अगर सेल 50 रुपया है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? एनी आइडिया? 300। 50 से ऊपर कैसे जाएगा? ये दोनों का रिलेशन ठीक है, अगर 10 है तो 4 है, अगर 50 है तो ये 40% है, 50 का 40% कितना 20 है, ये हो गया कितना 30। ये देखिए दोनों के बीच में एक रेशियो है, दैट इज 60%। इसको हम टेक्निकल टर्म में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पीवी रेशियो। व्हाई आई एम सेइंग मैं इसको पीवी रेशियो क्यों बोलूंगा, आप देखिए दिस इज प्रॉफिट बाय वॉल्यूम। प्रॉफिट क्या है? मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो और जो कंट्रीब्यूशन है, मैं कंसीडर करता हूँ कि यही प्रॉफिट है, क्योंकि दिस इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट का कोई वैल्यू नहीं है तो मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ, एंड वॉल्यूम इज सेल्स। सो ये हो गया CYS, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन को हम प्रॉफिट भी मान सकते हैं, प्रॉफिट होगा, एंड वॉल्यूम को हम एस मानते हैं। तो यहाँ पे 6/10 इजिकल 60% है कि नहीं, इनटू 100 कर रहे सर, इफ आई मल्टीप्लाइड विथ 100 इट गिव्स मी 60%। समझ में आया नहीं? How I get PV ratio? So PV ratio is equal to contribution by sales. देखिए PV ratio is equal to contribution by sales. उसको जदियो हम profit by volume बोलते हैं, actually it is contribution. Contribution by sales. C/S into 100 is PV ratio. तो if you get, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ पीवी रेशियो इज इक्वल टू 35%, क्वेश्चन आपका आएगा वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू हाउ मच। बोलिए अगर मेरा प्रॉफिट पीवी रेशियो इज 35%, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज होगी कितना? 65%। वेरी गुड, इट इज 100 माइनस पीवी रेशियो, बिकॉज हमने पहले भी देखा था दोनों मिला 100% होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिलने से होता है 100%। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स, ये 100% हो गया। ये कॉन्ट्रीब्यूशन इज 35, तो प्लस ये होगा 65%। यही हमारा इक्वेशन। सो अभी आप देखा दोनों में से एक पता होने से दूसरा आपको पता हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको कोई बोला है वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू 63%, तो पीवी रेशियो कितना होगा? अंदाज करिए 37%। समझ में आ रहा है? इजी है ना? नो डिफिकल्ट, नो डाउट। ये सब आपका फंडामेंटल हमेशा दिमाग में रहना पड़ेगा। ये अभी तक हम प्रॉब्लम्स को नहीं लिया है। प्रॉब्लम्स करने के लिए जैसे आपको इंग्लिश सीखने के लिए अल्फाबेट सीखना पड़ता है, ए बी सी डी, तब आपको वर्ड बनाएंगे, तब आप सीखने को सुनना है, इधर हम लाइन अल्फाबेट्स पर। ये सब आप सीख लिया है, मेरे को कभी भी एक क्वेश्चन में मुझे ये पता चल गया
ये कहाँ है बल्कि हम भर गए हैं, हम इसको फटक से निकाला, सेल्स वॉल्यूम है, सेल्स इन टू दिस परसेंटेज विल गिव मी प्रीवियस ईयर, ठीक है, यही आपको दो मंथ मिल जाएगा। सो दिस इज आवर, अच्छा अभी देखिए माई फिक्स्ड कॉस्ट सपोज इज अराउंड 3 लाख, ठीक है, और मुझे पीवी रेशियो इज कर लो 30%, व्हाट इज माई ब्रेक इवन सेल्स, इतना भी आपको आ जाएगा, ये भी आपको क्वेश्चन आएगा, कोई बता पाएगा, माई फिक्स्ड कॉस्ट इज 3 लाख रुपीज and I have to give an information that my PV ratio is 30%, what is my break even sales? अभी देखिए my BEP sales is equal to A by PV ratio, F is equal to 3 lakh divided by 30%. 3 lakh by 30% how much? Answer the key. 10 lakhs. इसका मतलब क्या है? 10 lakhs units होगा कि रुपीस होगा? This will be rupees. This is break-even point value. पहले हम देखे थे break-even point in units. So, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इफ आई एम डिवाइडिंग ए बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट गिव्स मी बीईपी यूनिट्स, ये लिखते रहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका डू ए बाई पीवी रेशियो दिस गिव मी बीईपी वैल्यू, इट विल रूपी, दिस विल बी यूनिट्स, ए हमारा दो तरीका में ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना यूनिट चलेगा, नहीं तो ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स कितना वैल्यू है, सो ये दोनों तरीका है, दैट मींस मैं जब इतना मेरा सेल्स हो जाएगा 10 लाख, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी जीरो, ये मैं लेटेस्ट केस में 10 लाख सेल्स करेगा, सेल्स इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, कितना होगा 10 लाख, हाउ डिड यू गेट ये 30% अगर ये पीवी रेशियो से वेरिएबल कॉस्ट से 70%, तो 70% ऑफ सेल्स इज 7 लाख, अभी कंट्रीब्यूशन कितना निकला 3 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट कितना 3 लाख, प्रॉफिट जीरो, कितना आसान है, एक फॉर्मूला में आपको पटक से मिल गया कि व्हाट विल बी द ब्रेक इवन सेल्स, ये आपको टेस्ट करने का जरूरत नहीं एग्जाम में, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, समझ में आया, डाउट से पूछिए, एनीबॉडी एनी टाइम इफ यू गेट अ डाउट प्लीज आस्क मी, ओके, सो दिस इज वी आर जस्ट स्लोली एंटरिंग इन टू द कॉन्सेप्ट, हमने अभी तक जितना पढ़ा है इतना समराइज, मैं अगर समराइज करूँ, सेल्स इज इक्वल टू वैल्यू कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये दोनों को हम सी कर दें, ठीक, ये पढ़ा दीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या है फॉर्मूला, ए बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, बीईपी इन रुपीस विल बी ए बाई पीवी रेशियो, ये मेन फॉर्मूलाज है
इससे हम दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अच्छा मैं आपको एक दूसरा चीज बताया था, ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या है व्हाट मार्जिन ऑफ सेफ्टी? सेल्स माइनस प्रेफरेंसेस। सिंपल, मैं जितना सेल कर रहा हूँ माइनस प्रेफरेंसेस, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। इसमें आपको भी इट कैन आल्सो कैलकुलेट इन रुपीस एज अ वैल्यू वैल्यू, जैसे हम बीईपी को बनाता है ऐसे इसको भी हम बना पाएंगे। इसके लिए क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है पी बाई पीवी रेशियो। हम एक बाई पीवी रेशियो लिया ब्रेक इवन का, उसका आगे प्रॉफिट एरिया है, सो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो विल बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमारा कंट्रीब्यूशन मिलता है कि ए प्लस पी हो गए, मैं एफ को लेके मेरा बी पी मिलेगा और पी को लेके मेरा एमओएस मिलेगा, तो दोनों मिला देने से मेरा सेल्स हो जाएगा। इसका जब हम अभी के लिए समझिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू पी बाई पी रेशियो, ठीक है? थ्योरी में बाद में पढ़ा होगा, लेकिन डू सम प्रॉब्लम्स। ये पी बाई पी बी रेशियो विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स दिया है 1 लाख यूनिट, लिखते जाइए बुक्स में ही, तो क्या है आप लिखते जाइए, ठीक है? रुपीस 1 लाख रुपीस, सेल्स 1 लाख करेगा, वेरिएबल कॉस्ट जो है 40,000 रुपीस, फिक्स कॉस्ट है 50,000। मेरे को ये तीन एस्पेक्ट दिया गया है, आपको क्या बनाना है, पीवी रेशियो निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। पहला पार्ट ये है, कर पाएंगे कि नहीं बोलिए। मेरा सेल्स 1 लाख यूनिट के लिए 1 लाख रुपीज, पर यूनिट कितना है
पर यूनिट निकाल दीजिए, एक रुपया है। वेरिएबल कॉस्ट 40,000 है। कितने के लिए है 40,000? और हाउ मेनी यूनिट्स? ऑल लाइफ के लिए। तो मेरा पर यूनिट कितना आएगा? कितना आएगा? 0.4। तो मेरा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा कितना? 0.6। दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हो गया? ओके। नाउ यू नो फिक्स्ड कॉस्ट इज 50,000 रुपीज। पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या है? सेल्स बाय कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.06। सेल्स कितना है? 1 रुपीज इंटू 100 कितना परसेंट हुआ? 60%। क्वेश्चन का पहला पोर्शन मैंने कर दिया। पीवी रेशियो कितना है? 60%। नाउ इन बीईपी, बीईपी का फॉर्मूला क्या है? एफ बाई पीवी रेशियो। एफ बाई एफ कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? डिवाइडेड बाई 0.0 और 60%। 60% में डिवाइड कर दीजिए, कितना हो रहा है देखिए? 50,000 डिवाइडेड बाई 60%। 83,333। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है सेल्स माइनस बीईपी। सेल्स माइनस बीईपी सेल्स कितना हुआ? 1 लाख माइनस 83,333 इज इक्वल टू कितना? 16,667। हो गया आपका ये क्वेश्चन? हो गया, तीनों हो गया। इजी है दूसरा? अभी देखिए उसका दूसरा पार्ट देखिए, आप लोग को भी करने के लिए बुलाऊंगा। किसके पास किताब है? इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ, सुनिए केयरफुली पढ़िए, इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स। नेक्स्ट सीनियर बोलता है 20% इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? समबडी कैन टेल मी, पहले सेल्स कितना इंक्रीज हो रहा था? अभी 1 लाख हो रहा था, 1 लाख यूनिट्स। अभी कितना होगा? 1,20,000 होगा। तो अभी मेरा सेल्स होगा 1,20,000 यूनिट्स। पहले यूनिट्स देता हूँ। अच्छा, इसमें अच्छा अगर इतना है तो मेरा सेल्स का वैल्यू कितना होगा? 1 रुपया इंटू 1 लाख 1,20,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? पहले कितना था? 40,000। अभी कितना होगा? 40,000 बढ़ेगा, 40,000 होगा या बढ़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द प्रोडक्शन चेंजेस।
तो यहाँ पे मेरा क्या रेट है, पहले था एट द रेट ऑफ 40% ना, 40% इंटू 120,000 यूनिट है कि नहीं, कितना हो रहा 48,000। यहाँ पे हम देखा ये भी मेरा 20% बढ़ गया, देखा जैसे सेल्स बढ़ा 20% ये भी 20% बढ़ गया, दैट इज क्लियर करेक्ट। वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है, इसका बिहेवियर भी ऐसा है, तो ये बढ़ गया। मेरा कंट्रीब्यूशन निकाल दीजिए, अभी कंट्रीब्यूशन कितना है 72,000। अभी पीवी रेशियो निकालना है, पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, ठीक है। और हम लोग देखे थे कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 निकालिए, पहले कितना था, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ, अभी ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, एक बाई पीवी रेशियो, एफ भी 30, एफ कितना है 50,000 डिवाइडेड बाई 60% कितना हुआ 83,333। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स माइनस बीपी सेल्स, सेल्स इज 1,00,000, कितना है सेल्स, अभी 1,20,000 माइनस 83,333 कितना हुआ 36,667। ये देखिए अभी मेरा 20% जैसे इंक्रीज बढ़ा दिया, इट हैज रिजल्टेड इन माय सेल्स इंक्रीज, सेल्स इंक्रीज एंड माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी आल्सो इंक्रीज, बाकी सब ठीक है। सो मेरा वॉल्यूम बढ़ने से भी मेरा ये पीवी रेशियो चेंज नहीं हो रहा है और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। What is changing is even breaking point also will not change because this is based on the relationship between a PV ratio change nahi hua hai ki fixed cost bhi change nahi hua। Abhi samajh mein aaya, okay, now you come and solve the second question, right, black one। आपका ये नाउ 20% डिक्रीज इन, देखिए सेल्स जैसे इंक्रीज हुआ था तो मेरे को ये 1,00,000 था, 40,000 था एंड 50,000 था। अभी आपको करना है, माइनस करने से कंट्रीब्यूशन निकालेगा, कंट्रीब्यूशन दैट इज व्हाई यू आर टू 80 माइनस 32।
is equal to contribution by sales. प्रेजेंटली हमने 20% कम कर दिया है इसलिए वी हैव ए लॉस सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी माइनस 3333 इसलिए हमको नहीं करना है वेरिएबल कॉस्ट मेरा 20% घट गया 32,000 हो गया सो कंट्रीब्यूशन हुआ 48,000 ये हो गया ये क्या रेशो है पीवी रेशो है ए बाई कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स कंट्रीब्यूशन 48,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100 ये हो गया 60% ब्रेक इवन विल बी 8 बाई पीवी रेशियो विल बी फिक्स्ड कॉस्ट कितना 50,000 डिवाइडेड बाई डायरेक्ट लिख दे 50,000 डिवाइडेड बाई 60% ये हो गया सेम देयर इज नो चेंज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सो सेल्स कितना है 80,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज 83,333 सिंस ब्रेक इवन इज बिगर देन दिस ये हमारा माइनस ठीक है नाउ यू आर गिवन द नेक्स्ट सिनेरियो अभी नेक्स्ट सिनेरियो क्या बोलता है 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट इन वेरिएबल कॉस्ट ये थोड़ा टेक्निकल है अभी मैं डाटा दे देता हूँ आपका
सेल्स 1 लाख यूनिट था, 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 40,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट 50,000। अभी तुम्हारा क्या हुआ है, प्रेजेंटली देयर इज ए 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। पहले हम निकाले थे 40 पैसा, जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा ये 40 विल बी और 5% बढ़ जाएगा, कितना होगा 40 पैसा का 5%, कितना होगा 0.02 बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 40 इट विल बिकम 40। अभी करो, पहले लिखो सेल्स कितना होगा, सेल्स में कोई चेंज नहीं है तो सेल्स 1 लाख के लिए तुम लोग भी करो, ताला भी सेल्स इज 1 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना मिलेगा 1 लाख यूनिट इंटू 0.42। अरे क्या लिख रहा है, 1 लाख क्यों लिख रहा है, व्हाई यू आर राइटिंग 1 लाख, डरो मत डरो मत, तुमको क्या वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट के लिए मुझे 42 पैसा लगेगा, तो 1 लाख यूनिट के लिए कितना लगेगा, 1 लाख इंटू 0.42, कैलकुलेटर मारो कितना है, कितना नीचे लग दो, नीचे लग दो, नीचे इसका इसका नीचे लग दो। अभी कंट्रीब्यूशन निकालो, वन लाख माइनस 42,000 कंट्रीब्यूशन कितना है, 58,000। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कैसे मिली, ऐसे मत लिखो, पी बाय बी रेशियो, ठीक है, पी बाय बी रेशियो, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो अभी क्वेश्चन बोलिए, हाँ कंट्रीब्यूशन कितना है 58,000, सेल्स 1 लाख, तो अभी देखा हमारा पीवी रेशियो घट गया कि नहीं, कितना है कंट्रीब्यूशन, कितना हुआ 58% हुआ, घट गया, पहले 60% था, क्यों घट गया, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया। यही देखिए, अगर वेरिएबल कॉस्ट 42% है तो कंट्रीब्यूशन होने 58% निकला। अच्छा अभी बीईपी मारो, बीईपी बीपी इक्वल टू एफ बाय पीवी रेशियो, एफ बाय पीवी रेशियो, तुम जितना भी कॉपी पढ़ाया तो यही सबसे इजी है,
इससे बात मिलता है। आगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में पढ़ाऊंगा हमारे लोग बच्चों को, ये थोड़ा बेसिक आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। बढ़िया, अभी बी भी बढ़ गया है, अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी करो। कभी भी डरिए मत, काम ये पढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं आता है, पूछिए। जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है आप क्लास मत जाइए। जो 5-6 बच्चे आते हो एटलीस्ट समझ के जाइए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कॉल्ड सेल्स माइनस बीपी सेल्स। सेल्स कितना है 1 लाख, बीपी सेल्स इज 86,207। अभी देखिए ब्रेक में पॉइंट भी बढ़ गया है, पहले 83,000 होता था, अभी 86,000 हो गया। सब लोग का ये निकला 13,793। ओके, अभी नेक्स्ट के लिए हम बुलाएगा, अभी 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन बनाया जाएगा। जिसको नहीं किया है देख लीजिए, हाउ इज डूइंग, इफ यू डूइंग करेक्टली, अगर वर्क आउट कर रहा है तो उसका कर सकता है। अभी देखिए जैसे वेरिएबल कॉस्ट गिर गया मेरा कंट्रीब्यूशन परसेंट बढ़ गया, 62% हो गया। तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आने से अच्छा कि खराब है, कंट्रीब्यूशन परसेंट अगर बढ़ेगा गुड साइड और बैड साइड, नेक्स्ट।
सबको करना है। हाँ ये देखिए यहाँ पे बोलता है 10% इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ाए, बाकी सब ठीक है। ठीक है ये सिनेरियो से आपको एक मैं क्यों करा रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा इंसाइट हो जाएगा कि आप होने से क्या होता है। अभी तुम्हारा क्या करना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है। यू हैव टू छोड़ो छोड़ो रूम बजा देंगे। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लिखो, फिक्स कॉस्ट कितना बड़ा लिख दो पहले, फिक्स कॉस्ट कितना था 50,000 प्लस 5,000 55,000 समझ में आ गया। अभी तुम पढ़ाओ फिर एक मिनट पॉइंट इग्रेसियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 8333 करेक्ट है स्टूडेंट्स। ओके वेरी गुड, क्लास पर बढ़िया। अच्छा आ जा तुम, आ जा तुम, करेगा इधर कर रहा है, डरने से नहीं होगा। आ जा अच्छा एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखना चाहते हैं आप लोग कर पाते कि नहीं। अभी अभी वर्क नहीं तुम्हारे लिए जो है आई एम गिविंग यू ये कोचिंग किया है क्या कि नहीं? ठीक है अभी इधर कर लो, हो गया। यहाँ पे देखिए 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है आपका पास किताब है आप करिए।
पहले देखिए मेरा वॉल्यूम सेलिंग प्राइस 10% गिर गया। सेलिंग प्राइस पहले कितना था? 1 रुपया था। 1 रुपये से 10% घटा देने से कितना होगा सेलिंग प्राइस? 0.9 हो गया प्राइस। अभी 10% इंक्रीज इन द वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम कितना था? 1 लाख। 1 लाख से 10% बढ़ जाएगा तो कितना होगा? 1,10,000 हो गया। नाउ मल्टीप्लाई दैट एंड यू गेट सेल्स, समझा? सेल्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड मार्जिन। मैंने प्राइस में 10% में घटा दिया, वॉल्यूम से बढ़ा दिया, सेल्स में घटा दिया। अच्छा यहाँ पे मेरे को बताओ तुम्हें वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना था पर यूनिट? 40 पैसा। अभी मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 0.9। नंबर ऑफ यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स 1,10,000। तो ये 1,10,000 इंटू 0.4। सबसे इजी सब्जेक्ट जो है मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लोग बोलते हैं सबसे डिफिकल्ट है, मैं आपको इतना आसान से पढ़ा दूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिंदगी में आपको कभी जरूरत नहीं होगा। तो ये 54 माइनस करने से, 44 माइनस करने से देखा तुम, ये सब गलत कर दिया। बहुत ज्यादा है, इतना कंजूसी नहीं, नीचे लिखो ना, पेन को थोड़ा लंबा करो, पूरा बोर्ड है। अभी ब्रेक पॉइंट
बाय पीवी रेशियो। Thank you.
रेवेन्यू।